साथियों आज की वीडियो में हम भारत के भूगोल की बात करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद भारत के भूगोल से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं आप सभी उनका जवाब दे पाओगे तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं सबसे पहला टॉपिक है भारत की स्थिति तो भारत की स्थिति में हम देखेंगे ये हमारी पृथ्वी रही पृथ्वी के बीचों बीच से जीरो डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसे हम भूमध रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं यह पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बाँटती है एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर साढ़े तेईस डिग्री के अंतराल पर ऊपर और नीचे दो रेखाएं और होती हैं ऊपर वाली रेखा जो साढ़े तेईस डिग्री के अंतराल पर होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं और नीचे जो साढ़े तेईस डिग्री के अंतराल पर होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं तो भारत हमारा कुछ यहाँ स्थित रहा यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध में और कौन से हिस्से में पूर्वी हिस्से में तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होती है तो भारत हमारा कहाँ स्थित है तो भारत हमारा पृथ्वी में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आगे हम बात करें भारत के विस्तार की तो देखिए इसमें हम कुछ बातों को पहले जानेंगे भारत की आकृति भारत की आकृति कैसी होती है चतुष्कोणीय होती है देखिए इसके चार कोने होते हैं भारत के इसलिए भारत की आकृति चतुष्कोणीय होती है अगली बात करें भारत का अछांसीय विस्तार तो भारत का अछांसीय विस्तार देखिए ये आपको मैप में दिख रहा होगा आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तरी अछांश तक होता है ये हमारा अछांसीय विस्तार होता है भारत का आगे हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार तो मैप में देखिए ये दो यहाँ पर देशांतरीय विस्तार जो है अड़सठ डिग्री सात मिनट पूर्व से सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है आगे हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर तक होता है या एक प्रकार से आप कह सकते हो भारत की लंबाई कितनी है तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर आगे हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2935 किलोमीटर तक का है यह हम कह सकते हैं हमारे भारत की जो चौड़ाई है वो 2935 किलोमीटर है आप मैप में भी देख सकते हैं आगे हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है विश्व में तो विश्व के क्षेत्रफल का पूरा भारत जो है दो दशमलव चार दो प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए हैं बाकी जितना भी हिस्सा बचा वो सभी अन्य देश घेरे हुए हैं विश्व की जनसंख्या जो है टोटल जनसंख्या का सत्रह दशमलव पाँच प्रतिशत भाग हमारे भारत में निवास करता है स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें आप मैप में ऊपर देखते होंगे ऊपर का ये एरिया जो आपको वाइट कलर का दिखता होगा ये भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है और स्थलीय सीमा की लंबाई पंद्रह हज़ार दो सौ किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई हम इस तटीय भाग की बात कर रहे हैं जो कि समुद्र से जुड़ी होती है ये देखिए ये महासागरों से नीचे जुड़ी हुई जो सीमा है जो भारत की यहाँ पर लगी हुई है ये पूरी सीमा की लंबाई सात हज़ार सौ सोलह किलोमीटर है लेकिन ये हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार और इन द्वीप समूह को मिलाकर है परंतु अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की तटीय रेखा की लंबाई केवल हम इनकी बात करें यहाँ तक की तो प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई है इकसठ सौ किलोमीटर ये हमारी तटीय सीमा की लंबाई है परंतु अगर हम इन्हें भी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को भी स्थित कर लेते हैं तो सात हजार पाँच सौ सोलह किलोमीटर है आगे हम बात करें भारत का विश्व में स्थान जो कि अभी हमने बताया था जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए भारत का क्षेत्रफल के अनुसार स्थान कौन सा है सातवां है तो पहला स्थान किसका है पहला है रूस फिर कनाडा चीन यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया भारत और अर्जेंटीना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान सातवां है पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है तो रूस रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है आगे हम बात करें जनसंख्या के अनुसार तो जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान पूरे विश्व में दूसरा है पहले स्थान पर सबसे कौन है चीन तो चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और भारत हमारा दूसरा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है फिर उसके बाद यूएसए इंडोनेशिया ब्राजील पाकिस्तान पाकिस्तान छठे नंबर पर है नाइजीरिया और बांग्लादेश हैं अब हम यहाँ पर बात करेंगे भारत का सबसे अंतिम बिंदु जो भारत के पीक पॉइंट होते हैं लास्ट पॉइंट होते हैं वो देखिए है। ये हमारा भारत रहा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु सबसे पूर्वी बिंदु हमारा बालांगु कहलाता है ठीक है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कौन है बालांगु सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में पड़ता है इसका नाम है सर्क्रिक ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है पश्चिमी बिंदु कौन सा है सर्क्रिक सबसे उत्तरी बिंदु जो हमारा यहाँ पर लद्दाख में पड़ता है नाम है इंदिरा कॉल क्या नाम है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार में स्थित है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट क्या नाम है इंदिरा पॉइंट लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें इस प्रायद्वीपीय भारत की बात करें इन्हें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ देते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु उसे हम कैप कोमोरीन भी कहते हैं क्या कहते हैं कैप कोमोरीन तो ये हमारे भारत के सबसे अंतिम बिंदु हो गए आगे हम बात करेंगे भारत की ग्रीनविच रेखा तो देखिए ग्रीनविच रेखा भारत की मानक यामोत्तर रेखा है ये साढ़े बयालीस सॉरी साढ़े बयासी डिग्री ये हमारी देशांतर रेखा होती है यहाँ यह देखिए ये भारत की जो मानक रेखा है वो भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है कौन कौन से है? वो पांच राज्य हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश यहाँ देखिए मैप में ये रेड कलर का उत्तर प्रदेश हो गया फिर ये ब्लू कलर का मध्य प्रदेश हो गया ये हमारा ग्रीन कलर का छत्तीसगढ़ हो गया ये हमारा पर्पल कलर का जो है वो हमारा ओडिशा हो गया और नीचे क्या है आंध्र प्रदेश तो ये उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और ओडिशा इन पांच राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है जो कि मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश के गुजरती है कितने डिग्री देशांतर रेखा ये साढ़े बयासी डिग्री देशांतर रेखा होती है अब हम बात करें भारत का जो समय अंतराल है वो इस मानक रेखा से कितने का अंतराल पर है तो हमारा जो भारत का समय है वो साढ़े पाँच घंटे के अंतराल पर है इस ग्रीनविच रेखा से ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य तो भारत में सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है जो कि आपको मैप में दिखा रहा है ये उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है सबसे राजा राज्यों को छूता है कितने राज्य हैं नौ राज्य हैं कौन कौन से उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली हिमाचल प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार यहाँ देखिए ये उत्तर प्रदेश है और आगे ये सभी ये उत्तराखंड है हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया यहाँ पर यहाँ पर ये दिल्ली हो गई छोटी सी ये राजस्थान हो गया बाकी आप देख ही सकते हो मैप में कौन कौन से यहाँ पर राज्य हैं जो इसे टच कर रहे हैं अगर आपको राज्य की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा है वहां से आप पूरे मैप में राज्यों को भरना सीख जाओगे एक ट्रिक के साथ आगे हम बात करें समुद्र से लगे राज्य समुद्र से लगे हुए राज्य देखिए भारत में कुल नौ राज्य और चार केंद्र शासित राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं तो कौन कौन से समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य हैं इन पर आप नंबर मेंशन हैं देखिए ये हमारा गुजरात हो गया बाकी ये जो नौ राज्य हैं ये समुद्र तट से जुड़े हुए हैं कौन कौन गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये हमारे जो राज्य हैं पहला गुजरात फिर ये हमारा महाराष्ट्र तीसरा गोवा चौथे नंबर पे है हमारा कर्नाटक पाँचवें नंबर पे है केरला छठे नंबर पे है तमिलनाडु सातवें पे है आंध्र प्रदेश आठवें पर है ओडिशा और नवे नंबर पर है ये यहाँ पर नवा नंबर जो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ये भी हमें मेंशन करना चाहिए यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है क्या है ये पश्चिम बंगाल है तो नौ राज्य जो हैं किससे सीमा बनाते हैं समुद्र तट से सीमा बनाते हैं या समुद्र तट से लगे हुए हैं अब बात करें चार केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्र तट के साथ जुड़े हुए हैं कौन कौन से सीमा बनाते हैं तो लक्षदीप ये देखिए ये छोटे छोटे ये हमारा जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ दमन और दीप है दमन और दीप यहाँ और यहाँ और पांडिचेरी पांडिचेरी हमारा यहाँ पड़ता है यहाँ मैंने ये कर्सर बना रहा हूँ कर्सर आपको दिख रहा होगा ये पांडिचेरी है यहाँ पर ये चार केंद्र शासित राज्य हैं जो समुद्र तट की सीमा से लगे हुए हैं आगे हम बात करें कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से गुजरती है तो देखिए कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से गुजरती है ये हमारी कर्क रेखा हो गई जो भारत के आठ राज्यों को छूती है देखिए यहाँ पर मैप में भी लिखा है गुजरात मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तो ये हमारे आठ राज्य हो गए गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल और ये हमारा उड़ीसा हो गया और यहाँ पर देखिए ये त्रिपुरा है कर्सर देखिए आप और ये है मिजोरम तो कुल मिला के आठ राज्यों से ये कर्क रेखा हमारी गुजरती है कुछ अन्य बिंदु जान लेते हैं सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है पूरे भारत में तो सर्वाधिक नगरीय राज्य गोवा है ये आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा सा ये गोवा कहलाता है आगे देखिए सर्वाधिक कम नगरीय राज्य कौन सा होता है हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक कम नगरीय राज्य है सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश है कम वन वाला राज्य हरियाणा है हमारे भारत में जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मासिन राम है जो कि मेघालय में पड़ता है और कम वर्षा वाला राज्य लेह है जो कि लद्दाख में पड़ता है तो ये कुछ अन्य बिंदु थे हमारे भारत के मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको टोटली समझ में आए होंगे अगर आप भारत के राज्यों को भरना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है वहाँ से जाके आप भारत के राज्यों को एक ट्रिक के साथ आसानी से भरना सीख सकते हैं यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक जय हिंद दोस्तों